अथर्वा फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं सुनील राणे जी, ये इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है हमारे देश के वीर जवानों को सम्मान करने के लिए, जो सीमा पर खड़े होकर दिन रात काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, और कितने लोग ऐसे शहीद हो जाते हैं उनका हम तक इतना खबर पहुंचती नहीं है। तो उन लोगों की कहानी को सब लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर उनके परिवार वाले जो हैं उनको सम्मान करना चाहते हैं, जिसके वजह से पूरा जवानों का भी सम्मान हो जाएंगे। ऐसा एक कार्यक्रम आज तक किसी ने नहीं किया है, एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सुनील जी ने लिया है, जिसे हम लोग सराहते हैं। हम हैं मधुर जी हैं, वी आर ऑल विथ हिम एंड देन आवर फुल इंडस्ट्री विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। 31st को जो कार्यक्रम होने वाला है, January 31st को, उसमें हम सब रहेंगे और एक एक जवानों की कहानी को वहाँ पर बताया जाएगा। द आइडिया इज सुपर्ब व्हाट ही नरेटेड टू मी, आई थिंक इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज देयर, बट या डेफिनेटली इफ आई फील टुमारो कि आई शुड मेक अ फिल्म, बिकॉज सी इट हैज टू बी अ बिग कैनवास फिल्म, इट हैज टू हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इट, एंड इफ आई फील कि या दिस इज अ सब्जेक्ट व्हिच आई वांट टू, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज सो ब्यूटीफुल, सो इन्वॉल्वड द सब्जेक्ट इज, so if I feel tomorrow I should keep one finger at one that particular subject, I will surely make a film. मेरे ख्याल से इतना अच्छा ये foundation अथर्व है और ऊपर से इतना अच्छा initiative है from सुनील राणे जी, I think इसमें काफ़ी लोग और भी जुड़ते रहेंगे। I think जैसे जैसे beginning कि हेमा जी मैं हम लोग आए हुए हैं, काफ़ी और भी लोग हैं, लेकिन people of different walk of life, they will all be in one platform to narrate the story that day. जी, जैसा महाराष्ट्र पुलिस का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हमारे पूरे बॉलीवुड के आर्टिस्ट अगर पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हु इज़ गिविंग अस द सिक्योरिटी, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ देम विद देम। सो सिमिलरली व्हेन वी आर ही इज फेलिसिटेटिंग द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री, सो वी आर ऑलवेज विद देम।